मैंने एक एक शब्द के साथ में अक्षरशः चारों वेदों का अध्ययन किया है, उसके तीन भाष्य हुए, और मैं करवाता हूं और हमारे साथ बहुत से और मुसलमानों को प्रेरित करता हूं। इसके लिए क्यों करता हूं ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताइए कि जब मैं उसका अध्ययन करता हूं और उसमें आस्था रखता हूं तो सनातन धर्मी मैं हूं या आप? कुरान की एक आयत है, छोटी सी आयत है, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये दीन क़य्यिम है, ये इस्लाम दीन क़य्यिम है। अब दीन क़य्यिम का मैं अर्थ बता रहा हूं अरबी शब्द का। दीन कहते हैं धर्म को, रिलीजन को नहीं, मजहब को नहीं, दीन कहते हैं धर्म को। और क़य्यिम उसे जो हमेशा से कायम हो, बिल्कुल सीधा हमेशा से कायम हो, उसे कहते हैं क़य्यिम। तो सिर्फ भाषा बदली थी, नाम भी नहीं बदला, अगर उसका बिल्कुल सच्चा बगैर किसी धोखे दिए हुए अनुवाद किया जाए तो अनुवाद ये होगा कि मैं हिंदी भाषा में करूं कि ये इस्लाम सनातन धर्म, ये कुरान ने कहा। एक आया मेरे सामने भाई, उनका नाम था नूरुल हक, मुसलमान हो गए। एक साहब आए सत प्रकाश, हिंदू हो गए। अरे सत कहते हैं हक को, प्रकाश कहते हैं नूर को। नूरुल हक जो है वो तो मुसलमान है, सत प्रकाश हिंदू है, मेरा बेटा सत प्रकाश क्यों नहीं हो सकता? चीजें बहुत सी हमें समझनी होंगी और उनको सही परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। होगा जब जब ये संधि ज्ञान के आधार के ऊपर होगी, हम लोग आपस में जुड़ेंगे। आज तीसरे दिन आप सब महानुभव का उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत। साल 82 की करीब बात होगी, उस जमाने में मैं वकालत कर रहा था और ये अलीगढ़ से इंजीनियरिंग कर रहे थे। स्टेट रामपुर में आपने 500 नंबर बीडी का नाम सुना होगा, एक बात बीडी और भी, वो भी इनका खानदानी पुराना काम, मतलब अब से 50-60 साल पहले का मेरे इल्म में है कि जो औद्योगिक बड़ा घराना उससे थे। तो घर वालों ने कहा काम धंधा संभालो, कि जी मैं नहीं काम करता। जैसे विकास भाई को इल्का हुआ, इल्का कहते हैं ईश्वरीय कुछ इस तरह का आभास होना कि आदमी को बैराग सा हो जा, जैसे विकास भाई ने बताया कि भी बताएंगे बाद में। इसी तरह इन्हें कुछ इस तरह का इल्का हुआ कि भाई मैं तो जो है कौम के लिए, समाज के लिए और दुनिया के लिए धार्मिक तौर पर काम करूँ, और इन्होंने इंजीनियरिंग पूरी करते हुए अलीगढ़ के बाद काम तो उस टाइम शुरू कर दिया था, मिलजुल के काम। हमारा बचपना था इनका भी, तो मैं तो राजनीति में आ गया, ये इस लाइन में आगे बढ़ते चले गए। और फिर इन्होंने देशों में विदेशों में वर्क करके, एक संस्था भी है कंपरेटिव अध्ययन इनका, वेद का, कुरान का, वैसे बाइबल का भी, सभी उसमें। और इन्होंने एक बड़ी सी सोच उस टाइम पैदा की, हमारे जो गुरु थे आचार्य शम्स नवीद उस्मानी, वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे कानपुर में, तो उनके जेर रसाई हम लोगों ने सीखा। तो मैं ये बताना चाह रहा कि एक ऐसी सोच हिंदुस्तान में, अब ये बात इसलिए बताने की ज़रूरत पड़ी कि अभी मेरा ख्याल है 15 साल पहले मोहम्मद साहब की एक तस्वीर कार्टून बना दिया था, तो उस पर पूरे हिंदुस्तान में हंगामा होना शुरू हो गया। मैं मदनी साहब के साथ एक मामले में, उस ज़माने में वो मिनिस्टर थे, तो मैं उनके साथ कैराना साइड गया हुआ था एक इसी तरह के मामले में। तो लगभग 50,000 मुसलमान वहाँ इकट्ठा थे जलसे में, और उन्होंने बैठते ही कहा नारा है तकबीर अल्लाहु अकबर, जब यूँ कहा अब एसडीएम के तो पैर फूल गए। उन्होंने कहा भाई ये तो मामला हिंदू मुस्लिम होगी क्या भाई? अब मुझे लगा, मैंने कहा माहौल बिगड़ गया, तो यहाँ एडीएम वीडीएम सब थे, तो मैं भाग के गया, मैंने स्टेज पकड़ा और मैंने कहा भाई सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि तकबीर के मैंने तारीफ के हैं, नारा है तकबीर कि वो कौन सा नारा है जो तारीफ के लायक है? उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, कि अकबर कहते हैं महान को, कि ईश्वर ही महान है, ईश्वर ही श्रेष्ठ है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। यूँ कह रहे कि भाई ईश्वर ही बड़ा, जब जाके उनके थोड़े से हौसले ठीक हुए। और ना कुछ चीज़ें ऐसी जैसे समझने में लगती नहीं कि वो भाषा की दूरी होने की वजह से, चूंकि हम लोग अरबी तो जानते नहीं, कुरान तो सारा अरबी में है, तो उस दिशा में इन लोगों ने एक बड़ा भारी काम करा कि भाई वेद का और कुरान का हम कैसे, जैसे हम कहते हैं कि भाई एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति बताएंगे कि ब्रह्म एक है इसके अलावा कोई स्थिति नहीं, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है इसके सिवा कोई पूजने नहीं है,
तो कंपेरेटिव उसमें बड़ा वर्क इन लोगों ने किया है पूरे। और उसके अलावा इनका जो मामला है वो ज़मीन से इस तरह का जुड़ा हुआ है कि गरीब लोगों को वैसे मदद करते हैं, रिक्शा पोलो कर दी गरीब लोगों को जाके, वो वैसे दिखावे वाला सिस्टम नहीं है कि कहीं जाके लोगों को चंदा की संस्था को दे, वो कुछ नहीं। तो आप एक ऐसे लायक और काबिल आदमी को अपने बीच में आज पाएंगे, आपको लगेगा कि हमने कुछ सीखा है। इसलिए चूंकि आप जानते नहीं थे उनके बारे में पूरा, तो इसलिए मैंने बताने के लिए जहमत की। आइएगा स्टेज पर, अल्लाह आइए। तारिक साहब, मैं तारिक साहब से अनुरोध करूंगा कि वह मंच पर आए और हम लोगों को संबोधित करें, हम लोगों का मार्गदर्शन करें। यहाँ मौजूद सभी महानुभाव और राष्ट्रीय जनमंच के अधिकारीगण, ये यहाँ पर मुझे बुलाया गया है एक मुसलमान की हैसियत से। मैं मुसलमानों की बात नहीं करूँगा, कुछ इस्लाम की करूँगा, दोनों में बड़ा अंतर है। और ये सर्वधर्म संभाव का मंच है। ये ऋग्वेद का अंत होता है संज्ञान सूक्त के ऊपर, जो आखिरी सूक्त है उसका अंतिम, और उसका मंत्र है समानो मंत्र समिति समानी समानो मन सह चित्त में शाम। ये सर्वधर्म संभाव इसके अंदर आया, लेकिन हम सबके मन समान हो, चित्त समान हो और समान मंत्र पर हम सब एकत्रित हों, संभाव आया। लेकिन सर्वधर्म संभाव नहीं, थोड़ा सा मैं इसके अंदर संशोधन करूँगा। धर्म शुरू होता है ईश्वर से। हमें यहाँ पर जो कुछ हम खुद सोचते हैं वो दर्शन होते हैं, उसने जो कुछ दिया उसे धारण करने को धर्म कहते हैं। बहुत सी परिभाषाओं का सार है। तो जब वो एक है तो धर्म बहुत से कैसे हो गए? बात तो यहाँ से शुरू करें। जब वो एक है तो धर्म बहुत से नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि यीशु ईसा मसीह पहले किसी, उससे और पहले महाजल प्लावन वाले मनु और दूसरे ऋषि मुनि आने के बाद कोई एक धर्म दे, फिर उसके बाद 2000 साल पहले यीशु ईसा मसीह हजरत ईसा मसीह आने के बाद लोगों को ईसाई बना दें, फिर उसके बाद 1400 साल पहले अब से पैगंबर मोहम्मद साहब आके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद लोगों को मुसलमान बना दें, और ये सब एक दूसरे से भिन्न हो, ये अलग अलग कोई धर्म हो। अगर ये उसी एक ईश्वर की बात करने आए थे तो ये धर्म अलग अलग नहीं हो सकते। पहली चीज़ तो ये, भाषाएँ अलग हो जाएंगी, शैली अलग हो जाएगी। अगर उस मूल से लोग अगर कहीं हटे हैं अपने, तो समस्या यह है कि मूल ग्रंथों से हटे हैं। ये भाषाएं अलग थी, शैली अलग थी। आप में से अधिकतर लोग यहाँ पर सनातन धर्मी हैं, ये हिंदू तो धर्म का नाम नहीं है। मैं स्वयं हिंदू, तो हिंदू धर्म का नाम नहीं है, सनातन धर्मी हैं आप में से अधिकतर। सनातन धर्म का जो मूल ग्रंथ है, जिसे शब्द ब्रह्म कहते हैं, जिसे देववाणी कहते हैं, जिसे स्वतः प्रमाण कहते हैं, वो वेद हैं। करोड़ों सनातन धर्मी दुनिया में आते हैं चले जाते हैं, जीवन में एक बार दर्शन भी नहीं किए होते, कैसे सनातन धर्मी? फिर वो जो कुछ शिक्षाएं उनकी होती हैं कहाँ से होती हैं और कैसे कैसे होती हैं, अलग तो उनमें विचार अलग अलग तो हो ही जाते हैं मूल धर्म से। मैंने एक एक शब्द के साथ में अक्षरशः चारों वेदों का अध्ययन किया है, उसके तीन भाष्य पूरे, और मैं करवाता हूं और हमारे साथ बहुत से और मुसलमानों को प्रेरित करता हूं। इसके लिए क्यों करता हूं ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताइए कि जब मैं उसका अध्ययन करता हूं और उसमें आस्था रखता हूं, तो सनातन धर्मी मैं हूं या आप? ये मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं, अभी मैं स्पष्ट करूंगा। अभी ये हमारे पुराने मित्र, बहुत पुराने, इन्होंने पंडित अश्विनी कुमार उद्गल ने आपके सामने अभी रखा रिश्ता बताया था आपको, और यहाँ पे वो एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते और ला इलाहा इल्लल्लाह की बात भी यहाँ पर कही। ये तो सार है एक दोनों का। बात हम बिल्कुल शुरू से शुरू करें, जब यहाँ पर मानवता शुरू हुई। यहाँ रामचरितमानस के अंदर
महाकवि तुलसीदास जी ने कहा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिने ते मैं नरसृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहू गाव श्रुति जिनके लीका। कि ये मनु और सतरूपा जो थे उनसे ये सारी अनुपम सृष्टि हुई, और वो बहुत नेक थे, उनके धर्म आचरण बहुत अच्छे थे, और आज तक उनका गुणगान किया जाता है। इस्लाम कहता है कि आदम और हव्वा से सब शुरू हुए, एक माता पिता थे, वहाँ से सब उनकी सब संतान थे। यहाँ पर कहा गया ये मनु और शत्रुपा से, आदम हव्वा से सब सारी जन सृष्टि जो है ये शुरू हुई। मनु बहुत से हुए, आप जानते होंगे, आप में से यहाँ तो सब विद्वान हैं, के 14 मनवंतर थे, उसमें हर मनवंतर का एक मनु थे, ये तो उपाधि थी, नाम नहीं था। भविष्य पुराण के अंदर ये जो स्वयंभू मनु थे, जिनका अभी इन्होंने कहा कि सारे सब लोग उन्हीं की संतान हैं, तुलसीदास जी ने जिनके बारे में कहा, उनका नाम दिया हुआ है आदम। एतस्मात आदम नामसो पत्नी हव्यवती स्मृता, ये भविष्य पुराण के अंदर कि आदम उनका नाम था, पत्नी का नाम हव्यवती थे। आदम और हव्वा यहाँ पर इस्लामी परंपरा में कहा गया, ये मनु तो उपाधि थी। अभी धर्म अलग अलग, ये भाषाओं, ये लोगों के पास अलग अलग परंपराएं हैं, भाषाएं अलग हैं। अच्छा, वहाँ से शुरू हुए, तो ज्ञान यहाँ से शुरू हुआ। अभी बीच में जरा सा अलग हटते हुए मैं इतनी बात मैं रखूँ, बहुत छोटी सी सामने, तफसील तो उसकी बहुत है। दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, चूँकि विज्ञान का युग है, सबसे बड़ा वैज्ञानिक परीक्षण हुआ अभी जेनेवा के अंदर। 10 साल तो उसे लगे उस लेबोरेटरी को, प्रयोगशाला को बनाने में, हेड्रॉन कोलाइडर। 10,000 वैज्ञानिक उसमें, साइंटिस्ट 10,000 से ज़्यादा लगे, 100 से ज़्यादा देश उसके अंदर लगे, और 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ लगी। तब वो जेनेवा के अंदर अंडरग्राउंड एक प्रयोगशाला बनी, जो 27 किलोमीटर जो है वो बड़ी थी, और उसके अंदर हेड्रॉन कोलाइडर, मैं तफसील में नहीं जा रहा, उसकी कितना खर्च हुआ वो सब मैं, बहुत कुछ उसके बारे में मुझे मालूम है। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने शुरू, उनका जो उद्देश्य था जिससे वो बनी थी, 1998 से 2008 तक तो वो बनती रही, वो सबसे बड़ा प्रयोग हुआ आज तक का वैज्ञानिक, और सबसे ज़्यादा कॉस्टली, और वो अपने उद्देश्य में असफल हो गई। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको आपस में एक दूसरे से टकराना था 3,000 किलोमीटर/सेकंड की रफ्तार से, बहुत से, और उससे समझा ये जा रहा था कि वो जो पहले अंतरिक्ष जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ की परिस्थितियाँ इसके अंदर आ गई हैं, तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि शुरुआत कैसे हुई, प्रारंभ कैसे हुआ। और पब्लिक में, पूरी दुनिया में नाम उसका था कि वो ईश्वर तत्व, गॉड पार्टिकल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, उससे कोई नया वजूद में आ जाएगा, अस्तित्व में आ जाएगा कोई नया पार्टिकल। कोई नहीं हुआ, और वो अपने, वो सबसे बड़ा ये जो था वो असफल हो गया। अभी थोड़े दिन पहले फिर साइंसदानों ने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा कि हमने जो कुछ भी सोचा था इस अंतरिक्ष के बारे में, वो नेब्यूला, वो सब, अब वो सब टूट रहा है भ्रम, अब कुछ और सोचना पड़ेगा, वो सब गलत था आज तक। इस जगह पर विज्ञान की इतनी उन्नति के बाद हम यहाँ तक पहुँचे। सबसे बड़े अभी करीब के समय के जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब, जिस समय वो जा रहे थे, स्टीफन हॉकिंस, आखिरी जो उनका इंटरव्यू, आखिरी बात जो इंटरव्यू आखिरी था, उनसे पूछा कि वो उससे पहले क्या था, वो निब्यूला से पहले, और उसके अंदर सिंगुलैरिटी जो एक छोटा सा एक आपने तत्व माना है कि वहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, उन्होंने कहा कुछ नहीं, उससे पहले कुछ नहीं था। कितनी बैंक इसे दिवालियेपन के ऊपर आ गए, अब सब कुछ गलत हो गया, फिर से कुछ सोचेंगे। अगर उससे पहले कुछ नहीं था और वो स्वयं से था, वो सिंगुलैरिटी जिसे कहा, कुछ विज्ञान की कुछ एक दो में वो ले रहा हूँ इस्तेलाओं के नाम, टर्मिनोलॉजीज के, डार्क मैटर था, डार्क एनर्जी थी, उसे आज तक ना अंतरिक्ष में देखा ना अपनी प्रयोगशाला में देखा, कभी नहीं देखा, मान लिया था, और वो सिंगुलैरिटी स्वयं से थी, ईश्वर को स्वयं से नहीं मान सकते थे, उसे नहीं मानेंगे स्वयं से कि उसने सब कुछ किया था। तो मैं बात ये कर रहा था कि यहां से कभी हमने उठकर ज्ञान दिया था सारे विश्व को, कितना ज्ञान था, कितनी उन्नति थी। अभी सब लोग इसे न माने, लेकिन सर्वसम्मति से इतना तो मानते हैं कि मैथमेटिक्स में सबसे आगे थे, दर्शन और फिलॉसफी में सबसे आगे थे, स्पेस साइंस के अंदर सबसे आगे थे, अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर सबसे आगे थे, और बहुत से और मेडिकल साइंस के अंदर सबसे आगे, इतना तो पूरा विश्व मानता है आज भी।
और कौन कौन सी चीजें थी, यानी सारे पूरे विश्व के अंदर अंधेरा था, अगर कहीं ज्ञान प्रकाश था तो यहां था। क्यों था और कहां से लिया था इन्होंने? शुरुआत तो हुई थी ईश्वरवाणी से, उसके मूल तो उन्होंने लिए थे वहां से, खुदा के कलाम से। अब जब उससे काट दिया, अध्यात्म से काट दिया, धर्म से काट दिया, तो उसके बाद फिर भारत, ये पूरा हिंदुस्तान अंधेरे में निकल गया। लोग और दूसरी जगह पर आए, वो बिना ईश्वर की अपनी कुछ चीजें लाए, हाथ पांव मार रहे हैं और कैंसिल करते चले जा रहे हैं सारी थ्योरीज को। फिर कुछ उदय होगा, कैसे होगा मैं इसकी बात भी करूंगा बात को। यहां से शुरू हुए, अब इतनी सी और कहना चाहता हूं कि जैसे कुरान ने ये कहा कि हाँ तुम सब एक माता पिता की संतान हो, सब उससे पैदा हुए, ये बात जो है ये आपके सामने अभी आई कि यही जो है सनातन धर्म ने कहा था। जब सब एक माता पिता की संतान है, और वो ये इस्लामी परंपराओं की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तफसीर है बहुत बड़ी फतुल कदीर उसके अंदर, कि पहले इंसान का स्वर्ग लोक से जब आगमन हुआ इस जमीन के ऊपर, जिन्हें यहाँ पर आदम कहा गया, तो वो यहाँ भारत की धरती के ऊपर हुआ। ये तफसीरों की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो ये मान्यता इस्लाम सारे दुनिया के मुसलमानों को माननी चाहिए अगर उनको ज्ञान हो तो। तो जब शुरुआत यहां से हुई, और आदम को कहते हैं पहला पैगंबर, पहला ईशदूत, ये आदम नाम कहां से? आदि कहते हैं सबसे पहले को। अब संस्कृत में जब हम बिंदी लगाते हैं आदिम, उसका उच्चारण एक आदम है, आदि सबसे पहला, तो वो सबसे पहले यहां पर आए थे, तो उनका नाम भी यहां की भाषा में था आदिम। जिनको ये क्रिश्चियन भी पहला इंसान मानते हैं, ज्यूज भी मानते हैं, यहूदी भी, और सनातन धर्मी स्वयंभू मनु के नाम से, और मुसलमान आदम के नाम से। दो तीन चीजें आ गई निकल के इससे। मैं अब इस्लाम या मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूं। दुनिया के सारे मुसलमानों की, जब पहले पैगंबर यहां पर हुए, तो दुनिया के सारे मुसलमानों की पुण्य भूमि हिंदुस्तान है। उन्हें मालूम नहीं है, उन्हें बताना चाहिए और मालूम होना चाहिए। फिर मानवता यहां का उदय यहां से हुआ, शुरू यहां से हुई, ये दुनिया के सारे मुसलमानों को मानना चाहिए कि यहां से शुरू हुई और ये पुण्य भूमि है, ये सब उससे इससे ये नतीजे निकल रहे हैं। और जब धर्म का उदय यहां से हुआ, शुरू हुआ, फिर किसी समय में ये सब, ये इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे, जैसे आर्यभट्ट थे और दूसरे, और ये तो भी नए थे, बहुत पुरानी बात वैदिक काल की, हुआ क्या? दोबारा अंधकार में कैसे चले गए? हुआ बहुत कुछ गड़बड़ हुई। उस गड़बड़ के समय के बाद फिर सारे विश्व के अंदर जो पाप हुए, मैं उनकी तफसील में नहीं जा रहा। हमारे पास यहाँ पर बहुत सी जो परंपराएं पुराण कहलाती हैं, उनके अंदर सब में एक कथा आती है। वो कथा इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि कुरान शरीफ में भी है और वो बाइबल में भी है। जब सब जगह है तो फिर वो इतिहास में घटी थी वो घटना। जब सारे विश्व के सारे लोग पापी हो गए, तो फिर ईश्वर का प्रकोप आया, जल प्रलय आई, और सारी धरती जलमग्न हो गई, सब डूब गए जल प्रलय के अंदर। एक नौका के अंदर बैठने के बाद मनु महाराज बचे। अब ये दूसरे मनु हैं, दूसरे नहीं, सातवें मनु, वैवस्वत मनु, या इनको महाजल प्लावन वाले मनु भी बोलते हैं, वैवस्वत मनु को। ये उनके समय की बात है। इनका नाम कुरान ने नूह दिया है, भविष्य पुराण ने न्यूह दिया है, और उसने बाइबिल ने NOH नोआह दिया है। ये एक ही, अब एक ही व्यक्ति चल, ये एक नौका के ऊपर बैठने के बाद उस बाढ़ से बचे। ईश्वर ने कहा कि सिर्फ ये नौका बचेगी, बाकी सब डूब जाएंगे जो तुम्हारे साथ बैठेंगे। कुरान कहता है उसमें बहुत कम लोग थे, संख्या नहीं बताई। हमारे यहाँ की हिंदुस्तानी परंपराओं में मिलता है कि उस नौका के अंदर जो बैठे हुए थे, जो सवार थे मनु महाराज के साथ में, वो सप्तऋषि थे, सात नर नारी। सब सारे विश्व का संहार हो गया, उसके बाद वो नौका जहाँ जाकर रुकी, मेरे पास तो बड़ी तफसीलात है कि कहाँ से शुरू हुआ। वो कुरान के हिसाब से तफसीलात है कि यहाँ से हिंदुस्तान में किस जगह से सैलाब शुरू हुआ था, वो कहाँ पर कश्ती रुकी थी, जो महाभारत में बताया है उसकी पुष्टि करते कहाँ से होती है कुरान से, और उनसे वो नहीं रख रहा इतनी तफसीलें यहाँ पर, इसलिए पूरा एक रिसर्च का सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा यहाँ का विषय नहीं है। तो सबका संहार हो गया, मैं कहना उसमें सिर्फ इतनी सी बात चाहता हूँ कि जब सबका संहार हो गया और उसके बाद अब दोबारा जो बचे उनसे सारी मानवता फिर से शुरू हुई, व्यवस्थित मनु से और सप्तऋषियों से। आज जातियां कहां से आ गई, आज छोटे बड़े कैसे आ गए, अब तो सारी दुनिया ऋषियों की संतान हो गई या नहीं हो गई, अब कहां से आ गए? तो फिर इसे अभी जो बात यहां पर हो रही थी कि भेदभाव को खत्म करना होगा, राष्ट्रीय जनमंच ने ये बात रखी, तो इस भेदभाव को भी खत्म करना होगा। और धर्म सर्वसंभाव की बात नहीं, धर्म एक है,
उस भेदभाव को भी खत्म करना होगा जो भाषा के कारण हुआ और जो अपने मूल धर्म या मूल ज्ञान से हटने के कारण हुआ। देखिए मैं फिर कुरान की कुछ बात बताता हूँ आपको। कुरान शरीफ की एक आयत है, कुरान की एक आयत है, छोटी सी आयत है, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। ये दीन क़य्यिम है, ये इस्लाम दीन क़य्यिम है। अब दीन क़य्यिम का मैं अर्थ बता रहा हूँ अरबी शब्द का। दीन कहते हैं धर्म को, रिलीजन को नहीं, मज़हब को नहीं, दीन कहते हैं धर्म को। और क़य्यिम उसे जो हमेशा से कायम हो, बिल्कुल सीधा हमेशा से कायम हो, उसे कहते हैं क़य्यिम। दीन कहते हैं धर्म को, सनातन कहते हैं जो सदा से सीधा चला आ रहा, क़य्यिम कहते हैं सनातन को। तो सिर्फ भाषा बदली थी, नाम भी नहीं बदला। अगर उसका बिल्कुल सच्चा बगैर किसी धोखे दिए हुए अनुवाद किया जाए तो अनुवाद ये होगा, अगर मैं हिंदी भाषा में करूं कि ये इस्लाम सनातन धर्म है। ये कुरान ने कहा। अच्छा, कुरान की आयत सूरह नंबर 26, बहुत छोटी सी एक आयत है, तीन शब्द हैं, यही सबको ऐसे भी याद हो सकते हैं। आयत नंबर 196, وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرُ الْأَوَّلِينَ। इस कुरान को तुम आदि ग्रंथों में पाओगे, जुबुरुल अव्वलीन, अव्वलीन आदि। और जुबुर कहते हैं, जुबुर जो है वो बहुवचन है, इसका जो एक वचन है उसका मतलब है स्क्रिप्चर या ग्रंथ, इसका जो बहुवचन है उसे हम संस्कृत में कहेंगे ग्रंथा, हिंदी में कहेंगे ग्रंथों। इस कुरान को तुम आदि ग्रंथों में पाओगे, यानी यही शिक्षाएं तुम्हें आदि ग्रंथों में मिलेंगी। अब मुस्लिम विद्वान कहते हैं जब कुरान कह रहे आदि ग्रंथों की बात तो कभी थे, लेकिन अब उनका लोप हो गया, उन्होंने निकलकर देखा नहीं है। उनको सोचना चाहिए कि दुनिया के अंदर सिर्फ एक धर्म समुदाय है जो कह रहे आदि ग्रंथ हमारे पास है, यही तो नहीं है? मत मानिए, देख लीजिए, ये इसी को तो नहीं कह रहा कहीं कुरान? आदि ग्रंथ वेदों को कहते हैं। अच्छा, उन्होंने नहीं माना या नहीं देखा, आप बताते कि आदि ग्रंथ इन्हें कहते हैं तुम्हारे कुरान में जो ये है। आप स्वयं आदि ग्रंथों के बारे में नहीं जानते, ना कुरान के बारे में जानते, बताते कहां से? तो ये दूरी इस ज्ञान इसकी है, ये दूरियां ज्ञान के आधार के ऊपर, ज्ञान के आधार पर खत्म भी होंगी और इसी आधार पर समाप्त भी होंगी। हमारी उन्नति या भारत विश्वगुरु उससे पहले नहीं बनेगा जब तक अध्यात्म भी नहीं आएगा, जब तक ज्ञान भी ठीक नहीं होगा और जब तक ईश्वर से शुरुआत नहीं होगी। तो फिर यही होगा कि इतनी उन्नति के बाद दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण जो था, जो वैज्ञानिक परीक्षण था, वो फेल हो गया और अब कह रहे हैं कि हमें सिरा नहीं मिल रहा। अभी ये सब हाइपोथेसिस हैं, इन्होंने फर्ज किया है कि शायद ऐसा था, शायद ऐसा हुआ, शायद ऐसा हुआ, कुछ भी निश्चित नहीं। जो निश्चित बातें हमें मिलती हैं धर्म ग्रंथों से मिलती हैं, बिल्कुल निश्चित है वो। अगर उसके आधार पर कहीं जाते, अगर ये कहीं अंधेरे में, अंधकार में खो नहीं गए होते, या कभी उधर अब से यूं समझ लीजिए कि 1200-1100 साल पहले स्पेन के अंदर, उस वक्त दुनिया के अंदर जितने भी वैज्ञानिक थे सब मुसलमान थे, सब जगह खत्म हो चुके थे, एक वो भी सभ्यता एक उभरी थी वहाँ स्पेन के अंदर और काहिरा के अंदर, या वो नहीं खत्म हो गए होते, वो अंधकार में नहीं गुजर गए होते, आज दुनिया कुछ और होती, बहुत आगे होती, अब से सैकड़ों साल आगे होती। इसलिए कि वो कहीं अंधेरे में हाथ पांव नहीं मार रहे होते, शुरू जहां से किया था उसे आगे बढ़कर अब तो ये हजारों या लाखों साल आगे आज दुनिया होती, आज वहीं घूमती चली जा रही है। तो बात खाली इसकी भी नहीं है कि हम राष्ट्रीय जनमंच के अंदर यहाँ की सिर्फ इतने सी एकता की बात करें, हाँ यहाँ की एकता से शुरू करना होगा। इसलिए कि कभी यहाँ से उठकर ज्ञान दिया था और कहा गया है, अभी यहाँ पर बात हो रही थी ना कि आपने इस डेमो में सुना जो राष्ट्रीय जनमंच की तरफ से आया है प्रेजेंटेशन कि भारत फिर से विश्वगुरु बन जाए, कहा गया वेदों में कि बनेगा, और मैं आपको बताऊँ कहा गया कुरान में कि बनेगा ये भारत विश्वगुरु। ये लोगों को नहीं मालूम है या ऐसे नहीं निकाल पाए। मैं छोटी सी आपको एक छोटी सी एक दो आयतें सुना दूं, बस तफसील बहुत है। यहाँ पर शांति कुंज है हरिद्वार में, हमारे बहुत निकट संबंध हैं उनके साथ में, बहुत पुराने, बहुत अच्छे प्रेम संबंध हैं। इसलिए कि वो जो वो युग निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, वो युग परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। वो कहते हैं सतयुग आएगा। सत को अगर मैं अरबी में कहूँ तो वो होता है हक, युग को अगर मैं अरबी में कहूँ या उर्दू में मैं बोलूँ तो दौर, तो मुसलमान भी कहते हैं मानते हैं या मानना चाहिए दौरे हक आएगा, हमने दौरे हक कहा या सतयुग का वो आना है। वो सतयुग जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उसकी गणना है, वो सतयुग है भी करीब आना है। वो तफसीलात जो हैं कहा कुरान ने, वही ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुमला यकून अमसालकुम। तुमने अपनी उस समय में ये आगे बढ़े थे तो उन्होंने कहा तुमने अगर अपनी जो असली जिम्मेदारियाँ हैं ये कहा उनके कुरान के मानने वालों से, उससे पीठ फेर ली तो हम फिर दूसरे लोगों को लेकर आएंगे। वो पीठ फेरने वाले नहीं होंगे, वो कौन होंगे?
तो उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब ने इशारा किया कि एक वो होंगे जो नस्ल के हिसाब से जा के ईरान के अंदर हैं, आर्या, वो आर्या हैं। एक वो होंगे जो यमन के अंदर हैं, उस वक्त द्राविड़ नस्ल की कौमें जो थी वो यहाँ पर आबाद थी, दोनों मिले तो बात को हिंदू नाम तो पहले नहीं था, बात को हिंदू कहलाए। तो उन्होंने बताया था कि वो होंगे जो फिर आगे जाने के बाद नेतृत्व करेंगे, वो विश्वगुरु बनेंगे। ये तो खुद उन्होंने कुरान की आयतों की पर उसका भाष्य करते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब ने बताया था कि वो लोग अब दोबारा फिर यहाँ से उठेंगे जो पहले कभी उठे थे और फिर ये क्रांति आएगी। लेकिन फिर वो उस क्रांति की बहुत सी चीज़ें जो है अभी आपने यहाँ पर सुनी, मैं उसमें सुना रहा हूँ। ये संभव नहीं, हम एक धर्म की बात करेंगे। संभव तो जब होता है कि हमने ये लोगों के अंदर है मतभेद, धर्म में, धर्मों में मतभेद तो हमने पहले मान लिए, बहुत से धर्म तो हमने पहले मान लिए, अब किसी तरीके से समता जो है वो लेकर आई जाए। जब ईश्वर एक है तो धर्म तो बहुत से नहीं हो सकते, धर्म एक ही रहेगा। मैंने अभी आपको नाम के बारे में बताया था कि कुरान ने नाम भी नहीं बदला, वही सनातन धर्म, ये भाषा बदली थी खाली। इसके आगे की भी कुछ चीज़ें हैं बहुत सी। एक चीज़ बड़ी छोटी सी रखूं, आश्चर्य होगा आपको, यही इससे आगे के सुन रखा है ना, मानते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं है। कुछ हमारे पास सभ्यताओं के प्रमाण मिलते हैं, कहते हैं कि ये भरतखंड, ये भारत जो है ये खाली इतना सा नहीं था, अखंड भारत तो हमारा जो है उसके अंदर इंडोनेशिया भी था और मलेशिया भी था, इधर ईरान अफगानिस्तान भी था और इसके उसके अंदर जो है वो कोरिया भी था और उसके अंदर कंबोडिया भी था और जापान भी था, या वहाँ से यहाँ तक तार नहीं आ सकता, वरना मैं आपको बहुत सी सी तस्वीरें दिखाता और बहुत सी चीज़ें इसके अंदर से सिद्ध करता और बताता, खैर तो उसे लैपटॉप से। तो अब इसको कहते हैं कि ये अखंड भारत था, ये तो केवल भरतखंड है। मैं थोड़ा सा संशोधन चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ उन लोगों से जैसे आज जो इसे आज तक भरत अखंड भारत कहते चले आए और इसको भरतखंड कहते चले आए इस भूभाग को। जब उन्होंने श्री कृष्ण ने ये कहा था युद्ध क्षेत्र के अंदर, जब अर्जुन से ये कहा था कि यदा यदा ही धर्म सिग्नालिर भवति भारत, जब ये कहा था तो गीता तो सर्वधर्म में क्या खाली अर्जुन से कह रहे थे, वो भारत अर्जुन को कह रहे थे, ये भारत तो पूरे विश्व था, सारे विश्व को भारत कहा गया था, वो सारा विश्व कभी भारत था। जब वो टूटना शुरू हुआ, ज्ञान आना शुरू हुआ, तो वो रह गया भरतखंड, जिसे ये अखंड भारत लोग समझ रहे हैं आज, वो था भरतखंड। और ये भाग जिसके अंदर ये दो टुकड़े जो हमारे टूट गए वो, और एक बात कभी टूटा नेपाल, कभी टूटा ये श्रीलंका, ये सारा हिस्सा मिलाने के बाद जो है उसमें आगे ऊपर चाइना के अंदर ये सारा हिस्सा निकालने के बाद था हिंदुस्तान। भरतखंड वो था जिसे आज अखंड भारत कहा जा रहा है, और भारत तो पूरा विश्व था। अज्ञान आना शुरू हुआ और ये भरतखंड में हम सीमित रह गए, फिर उसके बाद खाली हिंदुस्तान रह गया। मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ प्रमाण देना चाहता हूँ इस्लाम धर्म की चीज़ों से, आपको इसके ऊपर आश्चर्य होगा, ये इतने कितने करीब है और कितने दूर हैं इसे समझना होगा। सबसे मूल उपासना मुसलमानों की नमाज है, आप लोगों ने सुन रखा है नाम, नमाज नमा और रजा की संधि से बनाए, ये अरबी का वर्ड ही नहीं है, कहीं नहीं अरबी भाषा में नहीं आया। अरबी में तो सलात कैसे, अजान होती है हया अला सलात, आओ सलात की तरफ, नमाज अरबी भाषा का शब्द नहीं है। फिर पूछा गया कहाँ से आ गया, तो कहा कि ये पर्शियन से आया, फारसी से, फारसी में भी इसका मूल नहीं मिलता। फारसी में नम कहते हैं गीले को, कि नम हुई कोई चीज़ तो थोड़ी सी गीली है। ये नम दुनिया की एक ही भाषा के अंदर है, जहाँ सर झुकाने को कहते हैं। तो इसको सोचा नहीं गया कि नम अज, अजन्मे को नमन करना। तो ये तो इस मूल उपासना का अपना नाम यहाँ की भाषा में ले रहे और जानते नहीं। लेकिन बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये लोग नहीं ले रहे, हिंदुस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान और बांग्लादेश चलो अभी अलग हुआ था वो भी इसे नमाज बोलते हैं, श्रीलंका और नेपाल के मुसलमान भी नमाज बोलते हैं, लेकिन वो सारे जितने ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान और कजाकिस्तान और वो जो सोवियत यूनियन टूटकर जितने टुकड़े हुए थे उन सब जगहों के ऊपर इसे नमाज कहा जाता है, सलात नहीं कहा जा सकता। उसके आगे अरब और अफ्रीका में इसे कहते हैं सलात, ब्रिटिश और यूएसए के अंदर कहते हैं वी आर गोइंग टू ऑफर सलात, ये नमाज बोला जाता है। फिर हम इधर चलते हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, कोरिया है, इन सब जगहों पे जो मुसलमान है वो इसे नमाज बोलते हैं। तो ये नमाज का शब्द जो है ये सीमाएं बता रहा है हमें कि ये एक प्रमाण यहाँ से मिल रहा है, ये सीमाएं बता रहा है कि भरतखंड जो है ये कितना बड़ा था हमारा, किस जगह, उन सारे हिस्सों के अंदर मुसलमान इसे सलात नहीं कहते, नमाज कहते। एक चीज और बताऊं फिर आपको नमाज के विषय में, मैंने बताया नमा आ जाए इसकी संधि से नमाज बनाओ। नमाज में बहुत से आसन है, एक आसन है नमाज के अंदर जिसके बारे में कुरान में एक आयत है, उसे अरबी में सजदा कहते हैं, कि सजदा ये सबसे ज़्यादा निकट आने का, ईश्वर से निकट आने का आसन है, इसलिए कि उसमें माथा टेक देते हैं।
हमारे यहाँ जो सबसे उत्तम आसन माना जाता था हमेशा से सदा से, वो आसन था साष्टांग। अब आज जो साष्टांग करते हैं वो करते हैं ऐसे जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं, शरीर के बीच अंग उसमें लगते हैं, उसे हम लोग कहने लगे साष्टांग। साष्टांग शब्द को देख लीजिए आप, ये बना इसकी संधि विच्छेद करें स अष्ट अंग, साष्टांग इनसे बना, जो वो आसन जो अष्ट अंगों सहित हो, शरीर के आठ अंग उसके अंदर भाग लें। अच्छा, एक इसे यहां पर रोककर एक चीज और खाली, अभी तो हमारे ये स्वामी रामदेव हैं, ये योग की बातें करते हैं, उसके अंदर खाली कुछ थोड़ी सी कुछ उनकी जो है वो एक्सरसाइजेज हैं, अच्छी हैं, जरूरी है, योग का भाग है, वो योग क्रियाएं जो कुछ भी बताते हैं, लेकिन योग असल में तो कहते हैं ना जुड़ने को मिलने को, आप में से आप सभी लोग जानते होंगे, किससे जुड़ना, बात तो वहां से शुरू हो रही है, बात खाली कुछ आसनों की थोड़ी है इसके अंदर, योग के अंदर किससे जुड़ना, अपने आप से और परम सत्ता से जुड़ना, ईश्वर से जोड़। असल में तो योग ये था कि एक्सरसाइज ये भी है और वो भी है। इस योग के बहुत से आसन जब श्री कृष्ण जी ने जब उपदेश दिया अर्जुन को, तो जहां पर योग के बारे में बहुत कुछ बताया कि वो योग कैसे होगा उससे मिलने का, उसके अंदर जो कुछ बताया था उसमें सिर्फ एक श्लोक मैं आपको सुना रहा हूं, छठे अध्याय में गीता के 13वां श्लोक है, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम सोम दिशश्चा नवलोकयन। संप्रेक्ष्य नासिका, अपनी नासिका के नासिकाग्रम, अपने अग्रभाग के ऊपर सारी ध्यान केंद्रित करना, दिशश्चा नवलोकयन, ऐसे कि किसी और दिशा में अवलोकन नहीं कर सको, सारा ध्यान यहां पर केंद्रित करना, यहां पर सारा ध्यान केंद्रित। अब इसकी तफसील भी मैं इस वक्त समय के अभाव की वजह से नहीं रख रहा, तो सारा ध्यान यहां पर केंद्रित करना, किसी और दिशा में नहीं देखना, ये तो थी एक सी बात योग के लिए। और एक आसन का मैंने आपको बताया था कि अष्टांगों सहित होना चाहिए। अब ये दोनों चीजें मिलने के बाद फिर ये नमाज के अंदर जो एक आसन की बता रहा हूं, सारे आसन ऐसे ही हैं जो आए हैं, वही जिसके लोग सोचते नहीं आपस में, ये दूसरों की है, ये मुसलमानों की है, ये हिंदुओं का है, ये ईसाइयों का है। मैं नमाज का वो आसन आपको दिखा रहा हूं, और वो नमाज का, उसे आप नमाज का आसन कह लीजिए, उसे आप अष्टांगों सहित कह लीजिए, उसे आप ये कह लीजिए कि आठ अंग भाग ले रहे हैं उसके अंदर, अगर चाहे भी तो किसी और दिशा में नहीं दे सकते, सिर्फ अपनी नाक पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और कहीं नहीं। देख लीजिए आप, मैं पहले से बोल देता हूं, उधर माइक नहीं है, दो यहां पे दिखाऊंगा मैं आपको, दो पैर, दो घुटने टेकूंगा चार, दो हाथ टेकूंगा मैं छह, एक नाक एक माथा, ये अष्टांगों सहित, दो पैर है यहां पर, ये दो घुटने चार, दो हाथ छह, एक नाक एक माथा, अष्टांगों सहित। अब इसमें जो कहते हैं सुभान रब्बी आला, जय हो महाप्रभु, महादेव की जय, जय हो महाप्रभु, ये भाषा का अंतर है, ये मुसलमानों की उपासना हो गई। तो धर्म का नाम एक, नाम नहीं बदला, धर्म का सार नहीं बदला, वो सार आपको सुनाया था अभी, इन्होंने मुद्गल जी ने सुनाया था, वो सार नहीं बदला कि वेदों का सार जो है वो ब्रह्मसूत्र कहते हैं। अभी तो हम पूछते हैं लोगों से, ये प्रश्न करते हैं कि अब ये जैसे हमारे ये जो जगह जगह धर्म परिवर्तन चल रहे हैं ना, धर्म परिवर्तन हर एक को बुरा लगता है, लगना चाहिए, असल बात तो ये है कि लोग जब समझेंगे धर्म एक था तो परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं है, या फिर परिवर्तन की आवश्यकता सबको है, हिंदुओं को भी परिवर्तन की आवश्यकता है, मुसलमानों को भी परिवर्तन की आवश्यकता है कि अपने मूल की तरफ वापस आए, तो इस परिवर्तन की है आवश्यकता। अब ये जब होता है, जब अलग अलग इन्होंने बना लिए अपने, तो इस बना लेने के बाद होता ये है कि उन्होंने कहा हमने मुसलमान कर लिया, कैसे कर लिया, कलमा पढ़वाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसके जिसकी मेन जो है वो पहली लाइन है, एक अल्लाह के सिवा कोई, एक ईश्वर के सिवा कोई दूसरा उपासनीय पूजनीय नहीं है, तो ऐसे हो गया। क्या ये कुरान शरीफ का सार है, कुरान को मान लिया जब इसे पढ़ लिया तो, अच्छा ठीक है कुरान को मान लिया इसे पढ़ लिया। ऐसे हम सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं सनातन धर्मियों से कि वेद का सार बता दीजिए, इसे जब तक नहीं मानेगा, इसमें आस्था नहीं रखेगा, सनातन धर्मी कहां से होगा, वेद का सार बताइए, इतना तो पूरा वेद तो अध्ययन करने में समय लग जाएगा, सार बोल दें, वो कहते हैं सार नहीं होता, इतना तक भूल गए, सार को ब्रह्मसूत्र कहते थे, ब्रह्म एक निराकार परमेश्वर, और सूत्र कहते हैं पॉइंट बात या कलमे को, इसके अरबी में सूत्र का अर्थ है कलमा, कलमे खुदा, ब्रह्मसूत्र, ये टाइटल भी नहीं बदला है, ये सिर्फ भाषा बदल रही है, और फिर उसके बाद उसकी ये ब्रह्मसूत्र जो है वो एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते और ला इलाहा इल्लल्लाह, जब ये सार नहीं बदला तो विस्तार कैसे बदलेगा। ये आवश्यकता इसकी है कि पहले मिले, करीब आए, समझें, साथ बैठकर कुछ अध्ययन करें, साथ बैठकर कुछ बात करें,
हम तो जाते हैं गांव गांव और बेपढ़े लिखों को समझा लेते हैं। हमारे कार्यकर्ता है, हमारी संस्था है वर्क, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज, बहुत सी से प्रांतों के अंदर, बहुत सी स्टेट्स के अंदर हमारे कार्यकर्ता गांव गांव जाते हैं दूर तक, और लोगों से जाके बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों लोग मिलकर लोगों को इकट्ठा करके वहाँ गाँव के लोगों से, और उनको समझा लेते हैं ये बातें और आ जाती हैं। भाषा अलग होती है, आसानी से समझा देते हैं और आ जाती है समझ में। तो बात तो ये है कि फिर जब तक मन आपस में नहीं जुड़ेंगे, ये इस एक धर्म के ऊपर एकत्रित नहीं होंगे, ज्ञान वहां से नहीं चलेगा जो ईश्वर वाणी से आए, जो खाली दर्शनों से शुरू हो जाए या अलग अलग लोगों की अलग अलग गुरुओं की खाली मान्यताओं से शुरू हो जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक सतयुग नहीं आएगा और तब तक ये वो क्रांति नहीं आएगी जिसके अंदर भारत कभी विश्व गुरु बनना है। और ये होगा, ये क्रांति आएगी, भारत विश्व गुरु बनेगा, इसकी भविष्यवाणी मैंने आपको बताया और संक्षेप में बताया, जो कुरान और हदीस से, पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों से और कुरान से जो कुछ निकलता है। यहाँ पर एक बहुत खास बात कही गई थी, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर है, सूक्त का है 19, उसका उसके बहुत से मंत्रों के अंदर पहला मंत्र है, उस मंत्र के अंदर बताया कि अग्नि का मंथन करना होगा। ये अग्नि वेदों का मूल विषय है, अग्नि का मंथन करना होगा पहले, जैसे पूर्व काल में अग्नि का मंथन किया था। तो यज्ञस्य केतुम प्रथमम प्रस्तादग्नि नरो जनयता सुषेयम, फिर तुम यज्ञ के करने वाले होगे और तुम मनुष्यों का उस वक्त नेतृत्व करोगे, लेकिन करना ये होगा कि मंथन द्वारा होगा वो अग्नि मंथन। अब अग्नि अग्नि को पहचानना, क्या वो अग्नि यही स्थूल अग्नि है? वेदों ने कहा नहीं, वो स्थूल अग्नि नहीं है, बल्कि वो अग्नि जो है वो तो प्रदीप्ति युक्त देह वाली अविनाशी अग्नि है, ये स्थूल अग्नि नहीं है। तो फिर वो उस अग्नि की जब हम बात करें, वो उसका अलग विषय है, उसका मंथन का मतलब होता है रिसर्च। तो रिसर्च से बैठकर बात होगी, उस अग्नि को समझना होगा क्या है। का एताम विश्व पत्नी नाम मंथताम पूर्वथा, कि पूर्व काल में भी हुआ था और फिर किया जाएगा, जब किया जाएगा तब होगा ये। अब हम बैठने के बाद ये करें, इस पर बैठकर बात करें, ये क्रांति अपनी जगह है, जनसंपर्क अपनी जगह है, हम भी कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, वर्क के माध्यम से कर रहे हैं, और मैं राष्ट्रीय जनमंच को अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूं, जितना जो कुछ मैंने सुना। लेकिन हमारे कार्यकर्ता बहुत सी जगहों देश में, हम गांव गांव जाते हैं, हम गांव गांव को इसलिए नहीं जाते एक नई राजनीति की बुनियाद डालें, अच्छी है जो आपने कही, मैं उसके विरोध में नहीं कह रहा, लेकिन हम गांव गांव जाते हैं दिलों को जोड़ने के लिए, ज्ञान के आधार के ऊपर, ये आपस में लोगों की समझ में आ सके। सर्वधर्म संभाव के लिए नहीं जाते हम, एक धर्म जो है उसके बारे में बताने के लिए जाते हैं कि तुम्हारी भाषाएं अलग हैं, इसकी वजह से आपस में एक दूसरे से नफरत करते हो। नाम रखा, एक आया मेरे सामने कोई, उनका नाम था नूरुल हक, मुसलमान हो गए। एक साहब आए सतप्रकाश, हिंदू हो गए। अरे सत कहते हैं हक को, प्रकाश कहते हैं नूर को, नूरुल हक जो है वो तो मुसलमान है, सतप्रकाश हिंदू है, मेरा बेटा सतप्रकाश क्यों नहीं हो सकता? चीज़ें बहुत सी हमें समझनी होंगी और उनको सही परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। होगा जब ये संधि ज्ञान के आधार के ऊपर होगी, हम लोग आपस में जुड़ेंगे और इस ये एक ये बहुत अच्छा है कि हम, और वो कर रहे हैं, हमारी संस्था भी कर रही है, आपके साथ मिलकर करेंगे, अब आपको सहयोग देंगे, सहयोग लेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन इतना हिस्सा, इतना भाग इसके अंदर बढ़ाइए कि भारत विश्व जो गुरु है ज्ञान के आधार के ऊपर संधियों, लोगों को होता क्या है, साथ बैठते हैं एक दूसरे के। आपने कहा जब भी कोई जलसा होता है ना, ये कहीं बिठाते हैं, जैसी भाषा स्पीकर बोलता है वैसी सब बोलने लगते हैं, उस वक्त सब लोग सर हिला देते हैं और उनसे कहा देखो लड़ना नहीं चाहिए, ये आपस में राजनीति, ये लोग लड़ाते हैं, सब कहते हैं हाँ ठीक है, फिर उसके बाद भी कहीं लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फिर उसके बाद साथ में बैठते हैं, चाय पीने के लिए बैठे, अब चाय की टेबल के ऊपर कहते जी एक खान साहब हैं, एक जो है वो वर्मा साहब हैं। खान साहब ने कहा कि बताया खान साहब ने कि भाई देखिए हमारे बचपन के अंदर तो ये था कि वो हमारे पड़ोसी थे और वो अग्रवाल साहब हमारे, तो उनके बच्चों के रिश्ते भी हम ही तय करते थे, इतने अच्छे संबंध थे, हमारे घर की बच्चियों की भी वही तय करते थे, ऐसे होता था। अब वो अपना बताते कि नहीं हमारे भी एक उनसे शेख साहब से संबंध थे, अब वो बता रहे हैं वो कि हमारे थे और ऐसे थे घनिष्ठ, एक दूसरे की सेवा कुछ करते ही नहीं थे काम। जब ये टेबल से उठकर जाते हैं चाय पी के तो आपस में कहते हैं कि ये बहुत जहरीला है, जरा बचकर रहना। ये सब मास्क लगाकर बातें होती हैं, मुखौटे लगाकर।
तो ये एकता की बातें भी खाली मुखौटे लगाकर होती हैं। जब तक मूल को खत्म नहीं किया जाएगा, जड़ से उस बात को खत्म नहीं किया जाएगा, क्यों है ये? उसे नहीं खत्म कर रहे, कह रहे एक होना चाहिए, एक कैसे हो जाएंगे? सामने से कह देंगे कि हाँ है, तो वो एकता तो फिर ऐसे होगी कि उसकी जड़ खत्म की जाएगी, और तब ये होगा कि फिर हम कहीं पर भारत, ये हम पूरे विश्व का नेतृत्व करेंगे और विश्व के अंदर आगे बढ़ेंगे। फिर एक हिस्सा एक ऐसा भी होगा जहाँ मिलकर बैठें, और ये तो विद्वानों की नगरी है, ये आध्यात्म वालों की नगरी है। मैं आया हूँ बहुत पहले, मैंने यहाँ पर कलश यात्रा इन्होंने निकाली थी, मैं अपना रथ लेकर आया था 50 मुसलमानों को लेकर, और उसके अंदर उस यात्रा के अंदर मैं शरीक हुआ था, जो यहाँ शांति कुंज से निकलने के बाद, फिर 12-13 किलोमीटर वो सारा राउंड लेने के बाद, शायद 2011 के अंदर वो हुई थी। मैं जब लेकर आया तो उन्होंने कहा आप, मैंने फ़ोन किया उपाध्याय साहब को यहाँ शांति कुंज में, मैंने कहा कि वो आपका ये आया है, हम उसमें आ रहे हैं, खुश हुए कि आप भी आएंगे। उनका 5 दिन का कार्यक्रम था, उसके अंदर उनका कहना था 1 करोड़ लोग आएंगे, तो मैंने कहा हम अपना रथ लेके आएंगे। बोले आप रथ लेके आएंगे? कहा रथ लेके आएंगे अपना, लेकिन कुरान की आयतें भी लिखेंगे अपने रथ पर। उन्होंने कहा बहुत खुशी से लिखिएगा। कहा फिर जितने मुसलमान आएंगे उसमें वो टोपियों भी लगा के आएंगे ताकि पहचाने जाएं, तो लोग पहचान लें। मैं भी आपके सामने टोपी शेरवानी पहन के आया हूँ, मैं टाई भी लगाता हूँ, मैं पैंट शर्ट भी पहनता हूँ, ये तो अलग अलग वेशभूषा है, लिबास है, असल बात तो दिल के अंदर है, और असल बात तो वो है जो मैं जुमे की नमाज पढ़ाता हूँ रामपुर में, पूरे भारत के अंदर मेरे हुलिये का पैंट, मैं टाई लगाता हूँ, सूट पहनता हूँ, पूरे भारत में मेरे हुलिये का ऐसी दाढ़ी वाला कोई आपको जुमे की नमाज का नहीं मिलेगा इमाम, मैं हूँ अकेला। मान लिया लोगों ने, बहुत से 21 साल से मैं नमाज जुमे की पढ़ा रहा हूँ, तो फिर उस मंच से भी लोगों को बातें जाती है, इसलिए कि जुमे की नमाज में एक सरमन होता है, एक वहाँ एक खुतबा होता है, उससे भी लोगों को बहुत से विचार जाते हैं, और फिर उस एक परिवर्तन आ रहा है। अभी बहुत छोटे स्तर पर बहुत लोग समझने लगे, लेकिन वो परिवर्तन अभी छोटे स्तर के ऊपर है। अगर हम पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो ठीक है, एक बड़ा मंच आपका है, हम बैठने के बाद कुछ इसे भी समझें कि ज्ञान का समन्वय कैसे होगा, तब लोग बदलेंगे, खाली कहने से नहीं बदलते, और फिर खाली कह लेने से फिर जब बदलते नहीं, दिल नहीं बदलते, तो राजनीति भी पाक नहीं होती और साफ नहीं होती। तो ये दोनों क्षेत्रों के अंदर काम करेंगे और मिलकर करेंगे, जब करेंगे तो फिर उसके बाद तब होगी वो कि जो वाकई एकता होगी वो यहाँ पर स्थापित होगी, और यहाँ से निकलने के बाद सारे विश्व के धर्म गुरु बने, उसका नेतृत्व करें सारे विश्व का। मैं फिर ये अंत करता हूँ इस बात के ऊपर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने बुलाया यहाँ पर मुझे, आपसे कुछ मैंने बातें कही, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ सारे वो लोग हैं जो ज्ञान को समझने वाले लोग हैं, तो उन्होंने इसको कुछ इसमें से समझा होगा, लेकिन खाली इतना ही नहीं कि हम ताली बजाकर हट जाएं, इसके बाद ये तो इसको एक शुरुआत माने, ये प्रारंभ हुआ, इसके बाद हम कुछ शुरू करें तो मिलकर शुरू करें, और मिलकर शुरू कर सकें, और फिर वहाँ से साथ में मिलकर आगे बढ़ें, तो फिर वाकई फिर ऐसा होगा कि जिस एकता की आप यहाँ पर बात कर रहे थे वो एकता स्थापित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।